हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हों एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। तो बेसिकली दोस्तों, आज एनालिसिस मैं मोबाइल पर कर रहा हूँ क्योंकि वीडियोस ऑलरेडी मैं बना नहीं पाया हूँ, तो सोचा एक क्विक अपडेट्स आपको सारी चीज़ों के यहाँ पे दे दें। एंड ये जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है ट्रेडिंग व्यू का ऐप, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और मोबाइल पर एनालिसिस करने का भी एक सिंपल सा मतलब है कि आप लोग भी अपने मोबाइल पर एनालिसिस कर सकते हो, और अगर आपका सिस्टम नहीं तो मोबाइल भी एक बहुत अच्छा गैजेट है जिस पर आप एनालिसिस कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन का इस टाइम पे क्या सिनेरियो यहाँ पे लग रहा है। तो बेसिकली अगर बिटकॉइन के हिसाब से बात करी जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन है वो स्टिल बुलिश है, और यहाँ पर बेसिकली तो एक बेयरिश, आप कह सकते हैं राइसिंग वेज बना हुआ है जो कि बेयरिश पैटर्न होता है। लेकिन अगर बिटकॉइन लगभग 28,997 या आप कह सकते हैं 29,000 डॉलर के ऊपर टिका रहता है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन अपने एक नए हाइस को टच यहाँ पे कर सकता है। हालांकि बेयरिश पैटर्न है तो मैं थोड़ा सा कॉशियस होना होगा, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे गिरता है तो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, और ये करेक्शन हमें 28,580 या फिर नीचे 27,900 की जो रेंज है उसमें मिल सकता है। और अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट स्टिल बुलिश रहता है या फिर आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आप इस पूरे की हाइट को यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। जितनी भी इसकी हाइट यहाँ पे होगी, इस हाइट को आप इसके ब्रेकिंग पॉइंट से अगर देखते हो तो लगभग प्राइसेस फिर यहाँ पे 30,000 के समथिंग या 30,500-700 के समथिंग यहाँ पे जा सकती हैं। बट हालांकि मैं अभी ज़्यादा आपको लॉन्ग पोजिशन या किसी के लिए भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन के अंदर है एंड कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा करेक्शन ड्यू है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि करेक्शन अगर होता है लेट सपोज इस प्राइस से, तो कितना नीचे ड्रॉप कर सकता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा रखी जो कि है ATH की। ATH का सिंपल सा मतलब है ऑल टाइम हाई। तो ये जो ऑल टाइम हाई, ये है हमारा लास्ट 2017 का ऑल टाइम हाई। तो अगर मान लेते हैं कि अभी से जो प्राइसेस है वहाँ पे करेक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो करीबन करीबन जो प्राइसेस यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं इस पॉइंट से, लेट सपोज अभी के प्राइसेस हैं, तो अगर यहाँ तक प्राइसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइसेस 30 से 32% का करेक्शन इस पॉइंट पे कंप्लीट कर लेंगे। 40% के भी करेक्शन के यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। तो अगर मैं इसको 40% करेक्शन तक यहाँ पे ले जाता हूँ, 39 के आसपास तक ये गया है, तो भी लगभग जो प्राइसेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो 17,800 के आसपास मिल रहे हैं। यानी कि जो हमारा लास्ट टाइम का क्लस्टर था, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे अपना करेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 20,000 के आसपास कर सकता है, क्योंकि 20,000 जो है वो अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट बन चुका है बिटकॉइन के लिए, तो एक अच्छी चीज़ है। अब हालांकि ये चीज़ हमें अभी क्लियर नहीं है कि मार्केट अभी करेक्शन लेगा या फिर मार्केट 33,000-35,000 जाने के बाद करेक्शन लेगा, तो हमें इस एरिया पे अभी थोड़ा फोकस करना होगा। ये एरिया भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको 1 आवर में ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो। अगर यहाँ पे कोई भी करेक्शन स्टार्ट होता है तो मे बी पॉसिबिलिटी कि हम वापस एक करेक्शन फेज़ में आ जाएँ, जो कि 1 महीना 2 महीने के आसपास कंटिन्यू यहाँ पे चल सकता है। एंड इसके साथ अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आने में है। तो आपको इस पैटर्न के ऊपर ऊपर ऑब्जर्व करना है, और ये पैटर्न बेसिकली 70% टाइम नेगेटिव होता है एंड सिर्फ 30% टाइम ही पॉजिटिव हो सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें। आते हैं दोस्तों अपनी वॉच लिस्ट में अगले कॉइन के ऊपर, ये है दोस्तों इथेरियम। एंड इथेरियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, एंड इसका जो एक सेफ जोन अभी फिलहाल में कह सकते हैं वो है दोस्तों ये वाला बॉक्स, जो कि आपको लगभग $721 से $730 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये जो पैनेंट है, इसकी अगर आप हाइट को यहाँ पे नापने की कोशिश करते हैं लगभग यहाँ से इस जोन में, इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये प्राइसेस ऊपर ब्रेक कर पाते हैं और ये करीबन करीबन ब्रेक कर पाते हैं $747 के मार्क को, तो प्राइसेस जो है वो यहाँ पे रीच कर सकते हैं $795 या फिर $800 की रेंज में। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है और मार्केट इस बॉक्स को तोड़ के नीचे की तरफ आता है, तो मार्केट का करेक्शन 682 के आसपास यहाँ पे आ सकता है, जहाँ पे कि हमें जो सपोर्ट है वो भी नियरेस्ट इसी एरिया के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि आप अगर पिछले सपोर्ट की बात करें तो ये आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है अराउंड अराउंड $688 के आसपास। तो इस लेवल के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फिलहाल में ये जो बॉक्स है अच्छा एक सपोर्ट है, तो अगर यहाँ से कोई भी प्राइसेस बाउंस करते हैं तो हमें लॉन्ग की पोजीशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। एंड अगर बिटकॉइन की तरह ही बात करी जाए कि आखिरकार इसका करेक्शन कितना हद तक पॉसिबल है यहाँ पर, तो उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आपको एक बुलिश फ्लैग देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस वाले फ्लैग की बात करता हूँ, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं, वापस ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्चुअली एक चैनल है जो कि बुलिश चैनल यहाँ पे बन चुका है, जैसा बिटकॉइन में भी आपको
बार बार देखने को मिलता है। तो अगर जो प्राइसेस है वो यहाँ से यहाँ तक कि अगर हम एक पोल की यहाँ पे बात करें और इस पोल को हम यहाँ पे लाके रख दें, तो करीबन करीबन जो मैक्सिमम प्राइसेस यहाँ पे जा सकते हैं वो 787 या 800 डॉलर की रेंज है। तो आपको थोड़ा सा इस पर कॉशियसली ध्यान देना है। एंड यस, जो मैंने आपसे बात करी थी कि अगर इथेरियम में करेक्शन होता है तो कितना हो सकता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम में करेक्शन 450 से 500 डॉलर की जो रेंज है इसके बीच में हो सकता है अगर मार्केट आपका करेक्शन करता है। क्योंकि इसमें भी आप यहाँ पर अपना एनालिसिस अगर लगाते हो, लेट सपोज मान लो आप इसकी टॉप प्राइसेस से भी लगाएं, तो करीबन करीबन 30 से 40% का करेक्शन हमें ऑलमोस्ट 450 डॉलर के आसपास ख़त्म होता हुआ मिल जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसके ऊपर हमें नज़र रखना है इथेरियम के अंदर भी। हालांकि इथेरियम हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बुलिश रहे बिटकॉइन के कंपैरिजन में, बट क्योंकि पूरा मार्केट ओवरबॉट है तो मुझे नहीं लगता कि इथेरियम ज़्यादा टाइम टिक पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 800 डॉलर के बाद 450 या 500 डॉलर तक क्रैश वहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों लाइट कॉइन। लाइट कॉइन का दोस्तों मैंने एक चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करा था टेलीग्राम के ऊपर। तो इसके अंदर बेसिकली बताया जाए तो यहाँ पे शायद स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, क्योंकि जो इनवैलिड जोन था उसके नीचे कुछ विक्स मार के गया है मार्केट, एंड उसके बाद एक अच्छा खासा सडन पंप देखने को मिला है मार्केट का। बट कोई बात नहीं, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो करीबन करीबन जो ये पंप था 7 से 8% का था जो कि आपने अचीव करा होगा, और अगर आपका स्टॉप हिट भी हुआ तो कोई बात नहीं, हम नई एंट्रीज ले सकते हैं। फिलहाल में जो लाइट कॉइन है वो प्योर तरीके से साइडवेज में, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर लाइट कॉइन को पंप करना है तो एटलीस्ट 132 डॉलर ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वापस से लाइट कॉइन करीबन करीबन 121 से 124 डॉलर के बीच में यहाँ पे फंस जाएगा। और अगर 121 डॉलर के नीचे गिरता है किसी भी केस के अंदर, तो लाइट कॉइन का जो एक सपोर्ट है रहेगा, मैं कह सकते हैं कि जो मेजर सपोर्ट है वो 101 डॉलर के आसपास देखने को मिलेगा। बाकी अगर यहाँ से ऊपर ब्रेक करता है तो 145 डॉलर से लेकर 180 डॉलर के बीच में हम टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, बट फिलहाल में साइड वेज में है तो थोड़ा सा वेट यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं, यह है दोस्तों XRP। सबका फिलहाल में थोड़ा अटेंशन ग्रैब करा हुआ कॉइन है, हालांकि यहाँ पे मेरे पास वाला डेटा नहीं है जिस पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्योंकि दूसरी आईडी है। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ मान सकते हो कि अगर XRP जो है वो 0.2500 या फिर 0.2600 के ऊपर जाके सेटल करने में सक्सेसफुल हो पाता है तो ये हमें XRP के अंदर कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा। और जो इसका लास्ट हाई था लगभग 0.35, वहाँ तक हम इसमें थोड़े से अप देखने को देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे XRP इसको रिजेक्ट करता है, वापस से नीचे ड्रॉप करता है, एंड मेजोरिटी अगर बात करें तो ये वाली अगर ट्रेंड लाइन किसी भी कंडीशन में यहाँ पे ब्रेक हो जाती है XRP के अंदर नीचे की तरफ, तो फिर XRP वापस क्रैश कर सकता है अप टू 0.18 के आसपास। तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना होगा। एंड इसके साथ बात करते हैं दोस्तों लास्ट कॉइन जो कि है आडा। तो आडा में बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल तरीके का, जिसका जो बेस है वो लगभग 0.17650 के आसपास है। अगर इसके नीचे प्राइसेस गिरते हैं तो प्राइसेस फिर यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं वापस इस वाइट लाइन जो कि 0.16300 के आसपास है। और अगर प्राइसेस यहाँ पे कार्डेनो के अंदर इस वाली ब्लू लाइन को ब्रेक कर पाते हैं जो कि 0.18600 है, तो प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट हो सकता है लगभग लगभग 0.2800 के आसपास का। फिलहाल में चांसेस तो नहीं लग रहे कि मार्केट ऊपर ब्रेक कर रहा है क्योंकि पूरा कंसोलिडेट हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा वेट करते हैं। मार्केट जिस भी डायरेक्शन में यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करता है वो डायरेक्शन में हम ट्रेड आराम से कर सकते हैं और अपना बेनिफिट निकाल सकते हैं। बाकी चीज़ें बिटकॉइन पे भी डिपेंड होंगी कि बिटकॉइन यहाँ पे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आई होप दोस्तों मैंने बहुत सारे कॉइन कवर कर लिए। बाकी कल से प्रॉपर वीडियो में आपको बता दूंगा सारी चीज़ें, तो आज के लिए आपको इतना ही। बट आपको ये चीज़ समझ आ गया कि आप मोबाइल पर भी आराम से एनालिसिस कर सकते हो, कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। हाँ, थोड़ा स्क्रीन साइज़ छोटा पड़ता है बट आपके एनालिसिस लगभग आप प्रॉपरली यहाँ पे कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ अगली वीडियो और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।